हो, सुबह से वो बीज सुखाने रखे थे, कहीं कोई कौवा। आज बड़ी लेट आई हो, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, सुबह से तरबूज के बीज सुखाने को रखे थे, बस देखने आई थी कि कहीं कोई कौवा तो उठा नहीं ले गया। लेकिन फिर हमने देखा कि जब तुम कौवे हो इधर, तो किसी और की क्या मजाल जो यहाँ से एक दाना भी ले जाए। हम कौवा और तुम क्या हो? कौवी जो हमारे पीछे पीछे आ जाती हो हर रोज। तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आते हम, बहुत काम है हमें। हाँ, जैसे कि अपनी खिड़की से ये देखना कि कब हम छत पर आएंगे। और तुम्हें कैसे मालूम चला कि हम चलो चलो, ज्यादा भाव ना खाओ, कहानी सुनाओ। हाँ, पर थोड़ा और पास आकर बैठना सुरभि। रेडी, अब सुनो। किससे कहानियों की खासियत होती है, एक ही कहानी चार मुंह से चार अलग तरीके से निकलती है। ऐसा ही कुछ माहौल एक ऐसे गांव सोहनपुर का था, जहां कई सालों से भूतिया बिजुका की कहानियों ने अफवाहों का बाजार गर्म कर रखा था। यूं तो बिजुका नाम के बांस, सीख और मटकों से बने पुतलों को खेतों की रखवाली के लिए रखा जाता है, पर इस गांव के लोगों के बोल कुछ और ही थे। कोई कहता कि भाई साहब, हम तो सुने हैं कि वो एक नहीं और भी खेतों में देखा गया है। अरे ये बिजुका का डर और अफवाह बस अपने खेतों को बचाने के लिए फैलाया होगा। हाँ भाई, क्योंकि फसलों पर कौवों से ज्यादा खतरा तो चोरों का होता है। मगर कुछ सालों में मौतें हुई हैं, जिनका राज पुलिस भी आज तक न पता कर पाई। उन खेतों में जाने वाले कई लोग लौट कर नहीं आए। बस उनके कटे हाथ पैर ही मिल पाए। इन अफवाहों ने गांव के लोगों में इतना डर भर दिया कि कई लोग तो रात में निकलने से भी डरने लगे। सूरज ढलने से पहले ही खेतों के किसान अपना सामान समेट कर भागने के लिए तैयार रहते थे, पर कुछ ढीठ लोग कहां मानने वाले थे। और ऐसे ही ढीठों में से एक था नानकू, जो रात बेरात पहुंच गया उसी खेत में गन्ने की चोरी करने। ए, चलो जल्दी चलो। अरे ध्यान से देख के चलना। आवाज मत करो, अब तुम गन्ने निकालना शुरू करो। चलो चलो। भाभी को 2 सेकंड लगते हैं डीएसपी को फोन मिलाने में, हमें घंटे भर में यहाँ से निकलना है, इससे पहले कि चार लोगों को देखकर धारा 144 लगा दे। देखा तुमने? क्या वो अभी तो थी वहां सफेद साड़ी में चुड़ैल। चल मिला ना, देख जरा। ना मैं नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, तुम कटाई करो, हम देखते हैं। देवर जी, अब इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तो इसी तरह लोगों को डराकर खेत के भूत की अफवाह फैलाई है तुमने, शर्म नहीं आती? भाभी हैं हम तुम्हारी नान को, थोड़ी इज्जत से बात कर लो। और हम तो अपने खेत की देखरेख को आए थे, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो रात बिरात चोरी करने चले आए। अरे काहे की चोरी, बाऊजी शांति से मर सके इसीलिए जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, तो क्या ये पूरी जमीन तुम्हारी हो गई? नान को, चलो रे उठाओ गन्ने। ऐसा मत करो नान को, देखो हमारा गुजारा तो इस खेत के गन्ने बेचकर ही होता है। जो हमारा हक है वो है, चल। नान को, रुको नान को। ए लड़का लोग, हटवा देना इस सड़ा बिजुका के पुतला को। कौन सा पुतला? हमारे पास तो कोई बिजुका नहीं है। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय कपिस्तु लोक जागर।
आज कई सालों बाद दो दोस्त बाइक की सवारी पर निकले थे, पर अब वो बात नहीं रही। दोनों बदल गए थे, एक बेहतर और दूसरा बदतर हो गया। मगर आज की रात दोनों के लिए एक सी ही होने वाली थी। भयानक बिजुका से सामना दोनों का होने वाला था। ये है हमारी कहानी का हीरो, सौरभ। खैर, अपनी कहानी के तो हम सभी हीरो नंबर वन होते हैं, मगर हो सकता है कि किसी दूसरे की कहानी के विलेन भी हो। अगर सौरभ की बात करें तो उसका सपना तो चकनाचूर हो गया है। ये उन कुछ लोगों में से एक है जो गांव से बाहर पढ़ाई करने जाते हैं और फिर 2 साल का कोर्स 4 साल में रगड़ रगड़ के खत्म करते हैं और उसके बाद भी बेरोजगार रहकर गांव वापस आ जाते हैं। कभी अपनी हार कबूल नहीं करते, मगर सौरभ को उसके किए का सारा हिसाब इन्हीं खेतों में मिलने वाला था। अरे यार, ये बाल भी ना। सौरभ, मेरी 10 साल की भतीजी भी इस तरह नहीं चीखती। लगता है तुम शहर में रहकर एकदम छुई हुई लड़की से हो गए हो। मेरी मर्दानगी पर किसी को भी शक नहीं है, कम से कम मेरी कॉलेज वाली नो एक्स गर्लफ्रेंड्स को तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारी मंगेतर मोना इस बात पर नाराज नहीं होती? अरे नाराज तो तब होगी जब उसे मालूम होगा, उसे कोई बताने वाला भी तो नहीं है ना। क्यों नहीं है ना? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी का क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं यार, इतने सालों तक एड़ियां रगड़ी, जगह जगह जाकर इंटरव्यू दिए, फिर भी नौकरी नहीं लगी। किसी को मेरे पहुंचे हुए विचार समझ में नहीं आते ना, घुमा फिरा के वापस वहीं आ गए, मूड ही खराब हो गया। अब तो बस मोना से मिलकर ही शांति मिलेगी। मुझे याद तो खूब किया होगा उसने। ए, रुक रुक रुक, बस यहीं। क्यों क्यों क्या हुआ? ए भाई, यहाँ कहाँ? अरे सुनसान रहता है ये खेत, कोई आता जाता नहीं है ना, मोना भी यहीं आएगी। खेत में मचान है, चल वहां चलकर वेट करते हैं। अरे दिमाग ठिकाने पर है, तुम जब शहर में पढ़ाई कर रहे थे तब यहाँ गांव में बहुत अजीब अजीब सी चीजें हुई हैं। रात को तो यहाँ कोई आने की हिम्मत भी नहीं करता, भूतिया बिजू का घूमता है यहाँ। अरे मजाक नहीं है भाई। क्या बात कर रहा है। अबे यार, एक पल को तुम पे भरोसा ही कर लिए थे। भाई बात मान, मत जा अंदर, और मोना यहाँ नहीं आने वाली। अरे उसने भी तो कहानियां सुनी होंगी। यार मोना वही करेगी जो मैं उसे करने को कहूंगा। अबे अपने 6 भाइयों और भाभियों से छुप के आ रही है वो। अच्छा है ना, कोई नहीं आता यहाँ पर, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। देख तुझे चलना हो तो चल, वरना यहीं रुका रहे। खेतों में चलते हुए पत्तों की सरसराहट भी सुन के सोनू के रोए खड़े हो रहे थे, फिर भी वो दोस्ती के नाम पर चलता रहा। सौरभ, कहाँ हो तुम? पर अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नजरें जमाए हुए है। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। तुम मेरे खेत में क्या कर रहे हो? मैं बस जा ही रहा हूं, मैं अपने दोस्त को लेकर जा। अब बहुत देर हो गई है, पहले तुम मरोगे और फिर उसकी बारी। शकल तो देखो। ओ भाई, तुम तो यार गांव वालों की अफवाह को दिल से लगा लियो। मतलब थोड़ी आवाज भारी की और तुम पसीना पसीना हो गए। कमाल है। चला जा। ए, सौरभ मेरे लिए रुको भाई। अरे ये बैग। सौरभ बस करो यार, तुम मुझे डरा रहे हो। मैं सौरभ नहीं हूं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खौफनाक हूं।
सौरभ। क्या बेवकूफ आदमी है, फिर से डर गया। ये लो आ गया मचान, अब नौटंकी बंद करो और बैग उठाकर आगे चलो। चलो रे यार, ये मोना भी कहाँ गायब हो गई, नंबर ही नहीं लग रहा। रहने दो भाई, मैं तो बस यहाँ से जिंदा निकल जाऊं बहुत होगा। अरे किसका भूत है भाई, हम भी तो जाने जरा। एक सीधा साधा किसान था, मोहन नाम था उसका। खेती में मेहनत करके अपनी जिंदगी चैन से गुजारता था, पर कहते हैं ना जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, सो वही हुआ। तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बाद की बात है। तू बिजू का बड़ा नाकारा साबित हुआ, अच्छा खासा नुकसान हुआ है, 3-4 और लगाना पड़ेगा। हर पुतला थोड़ी पहचान लेगा कौआ, क्यों कोई ऐतराज है? इस बार की फसल की कटाई हो जाए तो बाजार जाकर सारा सामान ले आएंगे। तभी गांव का जमींदार तुर्रम सिंह अपने गुंडों के साथ खेत में आया और मोहन की चुटकी ली। अरे तो आज ही चले जाओ ना मोहन, किसने रोका है? देखो बिन परिवार के आदमी को तो नकली परिवार और दोस्तों से ही काम चलाना पड़ता है। ज्यादा अकेलापन लगे तो 2-4 और भी जुका रखवा लेना, तुम्हारे खेत का काम हमारे आदमी देख लेंगे। हम दरोगा जी से बात किए हैं, वो अच्छा सबक सिखाएंगे तुमको। कौन, दरोगा? वो जो नया नया आया था? अरे उसका तो कल ही ट्रांसफर हो गया। क्या है ना कि हमारे खिलाफ जाने वाले लोगों के पांव यहाँ ज्यादा दिन टिकते नहीं। तुमको 1 महीने की वार्निंग दिए थे कि कुछ पैसे लो और जमीन छोड़कर चले जाओ, पर तुम माने ही नहीं। ये मेरी जमीन है और मैं यही रहूंगा। मोहन अब तुम औरों के लिए मिसाल बनोगे, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी नाफरमानी करने का अंजाम क्या होता है। उसके सीने पर कई घाव किए गए, उसकी सांसें चलती रहीं, और उसी दौरान तुर्रम सिंह के गुंडों ने उसके हाथ पांव काट कर उसके शरीर के अंदर के अंग निकाल कर खेत में खड़े बिजुका के पुतले में भरे भूसे को उसके पूरे शरीर में भरना शुरू किया। मोहन की सांसें बंद हो गई, पर तुर्रम सिंह ने उसे मिसाल बनाने के लिए भूसे से भरे उसके शरीर को खेत में बिजुका की जगह लटका दिया। और अगली सुबह जमींदार के कटे हाथ पांव ही मिले। उसके बाद उसकी ओर से कोई जमीन लेने नहीं आया। तब से भूतिया बिजुका की कहानियां शुरू हो गई। मोहन की जमीन को कई किसानों ने टुकड़ों टुकड़ों में अपना लिया, मगर उस बिजुके को अभी भी ये सारे खेत उसी के लगते हैं। आज भी जब कोई इस जमीन पर गलत इरादों से आता है तो उसके कटे हाथ पांव ही मिले, बाकी का शरीर कहां गया कुछ पता नहीं। ओ, अब हमारी कहानी सुनो। हम यहाँ केवल एक मकसद से आए हैं और वो है मोना को पाना, बस। तो तुम्हारी शादी तो 1 महीने में होने ही वाली है, फिर? अरे शादी वादी में क्या रखा है, तुम्हारे जैसी पिछड़ी हुई सोच वालों के कारण ही हम यहाँ नहीं रह सकते, तो इसलिए आ गए तुमको एक छोटा सा हेलो कहने, और मोना को हमेशा के लिए गुड बाय। मोना अपने भाइयों अपने परिवार सबसे झूठ बोलकर आ रही है, और तुम ये भी तो सोचो कि तुमने शादी नहीं की, और अगर मोना ने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो? यार तुम लोड बहुत लेते हो सोनू, करना क्या है, थोड़ा बहुत एंजॉय करके निकल जाएंगे गांव से। प्यार करती है मोना हमसे, मान तो जाएगी। ये क्या बकवास किए जा रहे हो, सोचा नहीं था कि तुम गाँव छोड़कर इतने नीच हो जाओगे। मैं तुम्हारी इस वाहियात हरकत का हिस्सा नहीं बनने वाला। अरे यार सोनू रुको ना, सुनो ना भाई, सोनू क्या नमूना है। सोनू, सोनू तू है ना? मैं बाइक लेके जा रहा हूं, तुम पैदल ही आना। कौन कौन है वहां?
ये क्या मजाक लगा रखा है? क्यों, बिजुका से डर गए क्या? बकवास बंद करो, घंटों से वेट कर रहा हूँ। कहाँ मर गई थी? लगता है बहुत ज्यादा ही पीने लगे हो आजकल। अरे ये सब तो रईसी शौक है, तुम थोड़ा करीब आओ तो सही। अरे हटो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अरे क्या हो गया जो 4 हफ्ते बाद वो आज सही? चलो ना सामने वाले झोपड़े के अंदर। अरे ये क्या मजाक लगा रखा है? सीधे सीधे मान जाओ वरना अभी उठा के सीधा झोपड़े में ले जाऊंगा। तू हटो मुझसे सौरभ, मैं घर जा रही हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही ना तो शायद कल सुबह तुम्हारी सुताई करते वक्त मेरे भाई तुम पर थोड़ा रहम खा लेंगे। अब चिल्लाने की क्या बात है? जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्या तुम उस लड़की को छोड़ देते? क्या तुम उस बेचारी को चोट नहीं पहुंचाते? सौरभ की चीख पूरे खेत में गूंज उठी, पर उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। हर किसी को मालूम था कि रात में उन खेतों में जाना खतरे से खाली नहीं। अब तो सौरभ को भी पता चल गया था, पर यह सच मालूम होने में उसे बहुत देर हो गई, और ये उसकी जिंदगी का आखिरी खुलासा साबित हुआ। तो इस तरह बिजुका का खौफ भी जारी रहा, और पूरे गांव के मन में ये सवाल भी ज्यों का त्यों बना रहा कि क्या बिजुका हर किसी पर हमला करता है, या केवल उन्हें ही मारता है जो उसके सामने कोई गुनाह करते हैं। बिजुका ने क्या पैगाम दिया, इसकी चर्चा अब हर गली नुक्कड़ पर आज भी होती है। मैंने कुछ नहीं किया। तुम उस लड़की को चेता सकते थे, उसे उसके जाल में फंसने से रोक सकते थे। जो इंसान गुनाह होते देखकर भी चुप रहे वो भी कहीं से कम गुनहगार नहीं होता। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, तुमने कुछ नहीं किया। क्या हो गया? नहीं नहीं, बस आंख में कुछ चला गया। हाँ, तुम तो डरी नहीं होगी, बल्कि इस कहानी को सुनकर बस गन्ने का जूस पीने का मन हुआ होगा, या मकई खाने का। लड़की पटाने का सही फॉर्मूला 101। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।